देखिए, हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें सिंपल रखी जाएं और प्लानिंग जो भी एज ए बॉलर अच्छे एरिया को हिट करना है, एज ए बैट्समैन आपको बॉल टू बॉल चलना पड़ता है, तो सिंपल प्लानिंग ऐसी आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं कर सकते। अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे एज ए टीम तो आप जीतेंगे, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैम्पियन है, जिस तरह वो लास्ट कपल ईयर से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो ग्रो ही कर रहे हैं, वो एज ए टीम ग्रो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुश्किल होगा। उनके होम ग्राउंड है, होम क्राउड भी जिस तरह उनको सपोर्ट करता है, तो एक मज़े वाला मैच होगा और मज़े वाला टूर्नामेंट ही होता है। आप इन्जॉय करते हैं क्योंकि क्राउड जिस तरह आता है कि टीमों को सपोर्ट करने, तो एक अच्छा मैच होगा और होपफुली रिज़ल्ट हमारे हाथ में आए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो टीम अच्छे एटीट्यूड के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ जाएगी, वो टीम सक्सीड करती। भाई, आपने दो सीनियर फास्ट बॉलर वसीम जूनियर और हसन अली को रिलीज़ किया, तो शाह ब्रदर्स उन्होंने रिप्लेस किया, तो आपको लगता है कि वो उनकी रिप्लेसमेंट सही साबित होंगे? और नसीम शाह की फिटनेस के हवाले से भी पहला मैच वो खेले? देखिए, डेफिनेटली वो एक सुपरस्टार थे, बड़ा मुश्किल था डिसीजन, क्योंकि आपको पता है कि ड्राफ्ट में कैटेगरीज वाइज काफ़ी मुश्किल होता है, और सेम कैटेगरीज के अगर आपके पास 5-6 प्लेयर्स हों तो आपको हर डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो हमने लिए। दूसरा शाह ब्रदर्स, वो तो आप सब लोगों ने देख लिया होगा जिस तरह उनमें टैलेंट है, होपफुली हम सब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो उसी तरह आएँ और उनके जो बैकअप हैं उनके वो उसी तरह परफॉर्म करें। और नसीम की बात, मुझे लगता है कि उसके लिए हम सब लोगों को थोड़ा पेशेंस होना पड़ेगा, क्योंकि जब इंसान इंजरी के बाद आता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। शायद वो कल वाले मैच ही स्टार्ट हो जाए, शायद वो थोड़ा टाइम ले ले, तो उसके लिए एज ए नेशन भी हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जिस तरह आप अभी सवाल हुआ था कि लाहौर कलंदर ने 4-5 साल की प्लानिंग की थी, तो वो वाली प्लानिंग हमें एज ए नेशन कभी कभार करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट मांगते हैं, तो उसमें कभी कभार आपको रिज़ल्ट मिलते हैं लेकिन आपको वो कंसिस्टेंट रिज़ल्ट नहीं मिलते। इसी तरह इंजरी के हवाले से भी ये होता है कि प्लेयर पे हम बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि वो जिस तरह की पहले परफॉर्मेंस दे रहा था स्ट्रेट अवे वैसी परफॉर्मेंस दे। मुझे लगता है कि आप जितना मर्ज़ी रिहैब कर लें, आप जितनी मर्ज़ी प्रैक्टिस कर लें, ट्रेनिंग कर लें, जब आप मैच में जाते हैं तो आपको स्टिल वो प्रेशर रहता है और आपको बॉडी पे यकीन आने के लिए शायद एक टूर्नामेंट चाहिए, शायद एक मैच चाहिए, तो वो इंडिविजुअल होता है लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है। उसके लिए हम सब लोगों को पेशेंस रहना पड़ेगा, लेकिन वो लक तो सुपर फिट रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह वो उसने छोड़ा था वो वैसी परफॉर्मेंस दे। शदाब, कादिर ख्वाजा और समर टीवी से हूँ। ठीक है। अच्छा शदाब, मुझे ये बताएं कि आपको प्रैक्टिस के दौरान उबैद शाह ने बॉल भी लगाया था और लगता है क्या नसीम ज़्यादा? जी, वो उबैद ने हाँ टप्पा तो मारा था, तो मुझे लगता है कि इधर लाइट्स भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी हैं और थोड़ा नज़र भी नहीं आता। दूसरा, मुझे लगता है कि उबैद, अगर मैंने पहले फर्स्ट टाइम देखा है तो और खेला हूँ उसको, तो उस टाइम तो उबैद ज़्यादा तेज़ लग रहा था नसीम से। और दूसरा आपका ये सवाल था कि तीनों इकट्ठे खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल सकते, क्योंकि ये जो इमर्जिंग कैटेगरी होती है सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी होती है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम की ये खूबसूरती रही है कि जो भी इमर्जिंग प्लेयर है वो पाकिस्तान के लिए खेला है, तो हम पूरा उम्मीद है कि ये दोनों भाई और तीसरा शमैल भी है, तो जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं होपफुली ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान की तरफ से खेलें। शदाब, ये बताएं कि आपको होम ग्राउंड पे खेलने का ज़्यादा मज़ा आता है या लाहौर के फैंस के सामने खेलने का ज़्यादा इन्जॉय करते हैं? और दूसरा, ओवरसीज़ प्लेयर्स के बारे में भी बताएं कि उनका कम्बिनेशन कैसा है, कौन कौन से प्लेयर्स कल हम खेलता देख रहे हैं? देखिए, हमारे तो ओवरसीज़ मेरे ख्याल 3-4 कितने आए हुए हैं, 4-3 हाँ 4 आए हुए हैं, तो कोले मनरो एलेक्स हेज, तो वो तो आपको पता है वो काफ़ी टाइम से हमारे साथ खेल रहे हैं, और दूसरा टाइम में मिल्स आया, वो लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए थे, इस साल आए हैं। वो मुझे लगता है जो हम लास्ट 2 साल से जो हमें इशू आ रहा था डेथ बॉलिंग से, मुझे लगता है कि मिल्स से आने की वजह से वो, मुझे लगता है वो कवर अप हो गया, और होपफुली वो जिस तरह का उसका एक्सपीरियंस है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो एक्सपीरियंस लेके आए, और नसीम और टैम मेज़ हमारे पास हैं जो डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करें। दूसरा, आपने क्राउड का पूछा था,
क्राउड देखे, दोनों क्राउड बहुत मज़े के होते हैं. आप हर क्राउड का अपना प्लेयर है. लाहौर जिस तरह के लाहौर टीम को सपोर्ट करने आता है, और ये होना भी चाहिए कि आप जो अपनी सिटी हो रहे हैं वो जिस तरह का सपोर्ट करने आते हैं, तो वो काफ़ी हम लोग अपोजिशन भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं कि वो उस तरह सपोर्ट करते हैं. और पिंडी का अपना फ्लेवर है, जिस तरह आप देखा होगा कि वो टेस्ट मैचेस में फुल क्राउड होता है, तो मज़ा आता है दोनों. मुझे लगता है कि पाकिस्तान में यही खेलने की ब्यूटी है कि जब आप सारा क्राउड ही अपना होता है, वो एक बेशक अपोजिशन को भी सपोर्ट करे लेकिन आपको इन्जॉय कर रहे होते हो, क्योंकि स्टिल वो पाकिस्तान की लीग है, तो जिसको भी सपोर्ट करें तो वो हमें अच्छा लगता है. साहब चौधरी अशरफ, एक न्यूज़ से मेरा सवाल तो यही है कि जिस तरह आप पाकिस्तान टीम के नायब कप्तान भी रहे हैं, तो आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को काफ़ी मसाइल का भी सामना रहा है, और आपकी टीम में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है उसका मिडल ऑर्डर कैसा है, और कौन से बल्लेबाज हैं जो आप जिन पर रिलाई करते हैं, क्योंकि T20 देखिए हमारा तो मिडल ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है, और हम एक प्लेयर पर रिलाई नहीं करते क्योंकि ये टीम गेम है. उसमें हमारा मिक्सचर है ओवरसीज़ और पाकिस्तानी प्लेयर्स का. कोलिन मनरा, एलेक्स हेल्स है, आज़म है, हैदर जिस तरह खेल रहा है या आगा है, और मैं और मैडी बे जिस तरह है और फ़हीम है, तो हमारे बैटिंग डेप्थ तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो ऑन पेपर हमारी बैटिंग डेप्थ है. ऑन अ डे हम किस तरह की बैटिंग करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. तो मुझे लगता है कि हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे चीज़ें कवर हैं, अब लेकिन वही बात है कि पेपर पे सब चीज़ें कवर हैं. अब जब हम ग्राउंड में जाएंगे तो वो ज़्यादा मैटर करता है कि हम एज ए टीम वहाँ कैसा खेलते हैं. शादाब, अगर थ्री डिमेंशन प्लेयर की बात करें तो आपसे अच्छी शायद ही पाकिस्तान में कोई ऑप्शन हो. अब अपनी फिटनेस और इसके बारे में बताएं कि PSL में आपके क्या गोल्स हैं, आप किस तरह इस PSL को देखते हैं. देखिए इंजरी के बाद काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जो मैं IL T20 खेलने गया था वो उसका सिर्फ यही मकसद था कि जिस तरह मैंने पहले आपको नसीम का बोला है कि शायद वो आपको एक टूर्नामेंट लगे, शायद आपको दो टूर्नामेंट लगे, दो मैचेस लगे, आपको पता नहीं होता कि आपको बॉडी पे कॉन्फिडेंस कैसा आता है. तो मेरा ये मकसद था कि PSL से पहले या पाकिस्तान सीरीज से पहले वो ऐसे मैचेस खेले जाएं जहाँ पे मुझे बॉडी पे यकीन है. तो काफ़ी हालांकि मैंने उधर परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन मुझे अपने बॉडी पे यकीन है. तो एज ए प्लेयर आप किसी से भी पूछेंगे किसी भी टूर्नामेंट पे जाने से पहले, तो वो चाहेगा कि वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने. तो सेम गोल मेरे लिए भी हैं, वही गोल है, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी से अच्छी